भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य नेताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य नेताओं ने गिरफ्तारी दी। जबलपुर में भाजपा नेताओं ने सिविक सेंटर से प्रदर्शन आरंभ किया। इसके बाद जबलपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जगह जगह बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली, सभाएं की और सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली और सभा की। बीजेपी ने कहा, मध्य प्रदेश एक साल में बुरी स्थिति में पहुंच गया है। अफसरों और नेताओं में लूट का खेल चल रहा है। आम लोगों को माफिया बताकर परेशान किया जा रहा है। सरकार के बुरे हाल हैं। हम सब देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार द्वारा और प्रशासन को औजार बनाकर विभिन्न जो है क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास, चाहे वो जमीनों के मामले में हो या अतिक्रमण के मामले में हो, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर अभी 19 तारीख को जो सीए के पक्ष में ब्यावरा के अंदर देश प्रेमी जनता, वहाँ के नागरिकगण, वहाँ के समाज सेवी, वहाँ के जनप्रतिनिधि एकत्र होकर वहाँ पर सीए के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो दमन पूर्वक कार्यवाही वहाँ पर की गई है उसके विरोध में भी हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। खुद डीएम और एसडीएम ने आकर जो है वहाँ पर बड़े हमारे दो दो तीन तीन बार के पूर्व विधायक वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में जिस प्रकार झूमा झटकी की है, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये सभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माफिया अभियान पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे कमजोर लोगों को निशाना बनाकर रसूखदारों से वसूली करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग नहीं चलता था, अब ट्रांसफर उद्योग बन गया है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, महापौर मालिनी गौड़, विधायक रमेश मेंदोले और विधायक आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान सुमित्रा महाजन ने राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता के बारे में कहा कि उन्हें झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी, कार्यकर्ता तो मंदिर परिसर में खड़े थे, कलेक्टर क्यों वहां गई। उन्होंने कहा, अत्याचार किया तो भाजपा सहन नहीं करेगी। महू में विधायक उषा ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान महू विधायक उषा ठाकुर ने कहा, कमलनाथ सरकार आम जनता के बीच भय का वातावरण निर्मित कर भ्रष्टाचार के नए तरीके निकाल रही है। माफियाओं के खिलाफ हो रहे कार्रवाई में कांग्रेस से जुड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर और घातक विषय है कि देश में संविधान का हिस्सा बन जाने के बाद, राज्यसभा लोकसभा से कानून पारित हो जाने के बाद इस प्रकार की देशद्रोहिता का परिचय देना, ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के पक्ष में कदापि नहीं हो सकता। ये बहुत दुखदायी स्थितियां हैं। जो भी राजनीतिक दल निजी स्वार्थों के लिए इस प्रकार के कार्य आचरण में सहयोगी बन रहे हैं, उन सबको एक दिन पछताना ही होगा। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में किया गया, जहां मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मिश्रा ने प्रदेश सरकार के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाही पर उतर आई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।